जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सब इंतजार कर रहे थे कि क्या होने वाला है। मसला यह है कि बिहार में बिहार सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला किया था कि जातीय गणना पर जाति पर आधारित गणना होगी, यानी आबादी में कौन किसकी किसका प्रतिशत कितना है, कौन सी आबादी कितनी है, कौन सी जाति कितनी है, इसको जाना जाएगा। इसको लेकर कई लोगों ने इसे कहा कि ये देश तोड़ने वाला है, इससे धर्म के जो है हिंदू धर्म में वो बहुत बिखराव आएगा, इस तरह की बातें कही गई और अंततः इसको इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे फैसला होना था जो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को सीधा हाई कोर्ट लेकर जाइए, हम इस पर अभी कोई फैसला नहीं देंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि हम इस पर कोई फैसला नहीं देंगे, मामला पूरी तरह से बिहार के हाई कोर्ट में जाए। ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। एक यानी कि एक तरफ यानी कि सरकार को ये राहत हो गई कि सरकार मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस संज्ञान में नहीं लिया कि इसका फैसला वो कि उसने कहा कि सबसे पहले इस पर हाई कोर्ट का फैसला आना चाहिए और हाई कोर्ट का ही फैसला आए और ये पूरा मामला चला गया हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला, असल में 3 याचिकाएं दायर की गई थी इसके विरुद्ध और इसके विरोध में उसमें से आज जो याचिका उस पर जो ये किया गया वो हिंदू सेना की याचिका थी और उसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मसले को पूरी तरह से हाई कोर्ट में ही सुलझाया जाए। यानी ये मामला पहले हाई कोर्ट का है, यानी हाई कोर्ट के ही संदर्भ में, हाई कोर्ट के ही अंदर में आहते में इसका फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे या जो भी संस्थाएं उम्मीद लगाई हुई थी, फिलहाल ये दिख रहा है कि उनके उनके जो मतलब पूरे प्लान था उस पर पानी फिर गया है और बिहार सरकार को ये एक राहत भी मिल सकती है या ये कहा जा सकता है कि फैसला बिहार सरकार का ये कहना है कि हम तो ये इसलिए करवा रहे हैं कि हमें असल पता चल पाए, तभी हम विकास के कार्य में सारी जातियों का सही सही जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो उनकी सही सही भूमिका होनी चाहिए, जो उनकी रहनुमाई होनी चाहिए वो पता हो पाए। ये मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, कहा है पूरे मसले को हाई कोर्ट में ले जाया जाए। यहां अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसने बाकी 2 याचिकाओं पर भी मुहर लगा दिया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है, उसने कह दिया कि नहीं अब कोई फैसला नहीं आएगा, अभी हाई कोर्ट को ही इसको देखना है। यानी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हम फैसला नहीं देंगे, हाई कोर्ट ही इस पर फैसला देगा। इस तरह के सारे खबरों से अपडेट होने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज पर, खबरों से बाखबर होने के लिए कशिश न्यूज पर बने रहिए। और अगर आपको हम और भी इस बार इस तरह की और भी खबरें जाननी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। खबरों की झरियां लगी रहेंगी आपके सामने और खबरों से बाखबर रहने के लिए बने रहिए कशिश न्यूज़ पर।